हो सकता है तुम्हें आवाज थोड़ी खराब सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पर मैं पंखे के पास बैठा हूँ, और अगर मैंने अभी यहाँ पर पंखा बंद किया तो मैं वीडियो बनाने के हालत में नहीं रहूंगा। तो आज हम जो चैप्टर खत्म करने वाले हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी रिविजन पार्ट वन से, लेकिन काफी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, और बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई, मतलब बच्चों क्या, तुम लोगों की ये रिक्वेस्ट आई कि डेटाबेस जो है वो MySQL वो पहले कराया जाए, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में इनके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैंने सोचा यही पहले कराते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो SQL के बारे में जितना कुछ बताया है, डेटाबेस के बारे में जितना कुछ बताया गया है, वो इन चैप्टर्स में बताया गया है। ये पांच टोटल चैप्टर्स हैं, इनमें पूरा का पूरा बताया गया है। अब इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दिया था हर एक चैप्टर का, लेकिन मैंने इन पांचों का मैंने साथ में दे दिया था कि ये सारा का सारा तुम्हारा डेटाबेस का है। तो अब देखो मैं तुम्हें इंडिविजुअली बताता हूँ इसमें तुम क्या क्या सीखने वाले हो। तो देखो सबसे पहला चैप्टर जो है वो रिलेशनल डेटाबेस का है, वो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पे तुम क्या पढ़ोगे इसमें? बस डेटाबेस जो है उसकी जो बेसिक चीजें हैं, थ्योरी है और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो भी हैं, वो सब तुम इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, वो तुम इसमें पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है सिंपल क्वेरीज इन SQL, ठीक है। अब SQL से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। SQL क्या है? एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। जैसे तुमने, पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन पता होगा शायद कि HTML से तुम वेब पेजेस डिजाइन करते हो, HTML और CSS से, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज से कुछ कुछ काम करवा रहे हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर ये SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस पे क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेरीज होती हैं, ठीक है, और उन क्वेरीज को हम डालते हैं और हमें जो भी रिजल्ट चाहिए होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्वेरीज होते हैं। क्वेरीज यानी कि कमांड बोल सकते हो सिंपली तुम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुम सर्च करते हो, ठीक है, यहाँ पर सर्च करते हो और कुछ भी तुम्हें लिखना होता है तुम वो लिख लेते हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये हुआ सिंपल क्वेरीज इन SQL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, ठीक है। अब देखो SQL जो भी चीजें हैं, मतलब डेटाबेस में जो भी चीजें हैं, वो एक टेबल के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, ठीक है। तो अब डेटा टेबल क्रिएट करने के जो कमांड्स हो गए, और डेटा को टेबल में जो भी डेटा है उसमें अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, यानी कि कुछ एडिट करना है, तो उसके जो कमांड्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम। किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर जो थर्ड होगा SQL में, टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंस इन SQL। अब देखो इसको अगर तुम्हें समझना है तो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पर समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जिनको ना समझ आए कोई बात नहीं, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास रोज और कॉलम्स के फॉर्म में एक टेबल होता है, और उसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं। अब जो कॉलम्स होते हैं उनमें हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, और उस रिलेशन को ही हम ग्रुपिंग कहते हैं। तो ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स और जॉइंस इन SQL। अब यहाँ पर जॉइंस भी होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन हम बनाते हैं टेबल में उसे हम कहते हैं वो ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स और जॉइंस इन SQL। तो ये हम पढ़ने वाले, इसमें हम सिर्फ रिलेशन बनाने वाले हैं डेटाबेस में टेबल्स का। और फिर आता है इंटरफेस पाइथन विद MySQL। अब देखो इसमें पाइथन भी है, इसमें इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि देखो क्या होता है कि जब तुम क्लास 12th में, जब तुम फाइनल एग्जाम्स दे रहे होते हो, तुम्हारे मतलब एग्जाम्स वगैरह आने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, और उस प्रोजेक्ट में पाइथन भी इंक्लूडेड होना चाहिए और MySQL भी होना चाहिए, और दोनों को इंटीग्रेट करके तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तुम्हें जो भी काम कराना है पाइथन से कराओ, और जो भी डेटा स्टोर करानी है वो सब तुम SQL में स्टोर करवाओ, ठीक है। और ये काम करवा के तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। लोग इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और कौन कौन सा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट सिस्टम्स वाले काम होते हैं, इसके ऊपर ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी मतलब बच्चे बनाते हैं प्रोग्राम। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नेट से डाउनलोड करके डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं, मतलब वही सबमिट कर देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, और इनसे उनका टाइम भी बचता है, और जिनको नहीं सीखना उनके लिए तो सही है, वो उनका ही टाइम वेस्ट होगा। अगर नहीं सीखना उन्हें फ्यूचर में कहीं वो बीटेक वगैरह करना नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे वो सीख के। तो सही है, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो फिर तुम भी उठा के दे सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें सीखना है, तुम्हें आगे जाके बीटेक करनी है, तो फिर तुम सीख लो, तुम्हें मजा भी आएगा और सीख भी जाओगे। तो यहाँ पर इंटरफेस पाइथन विद MySQL में तुम ये सीखने वाले हो कि तुम पाइथन और MySQL को इंटीग्रेट करके कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है।
और मैंने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, मैंने बनाया था क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी वीडियो मैंने अलग से यूट्यूब पे डाली हुई है, और वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI बेस्ड प्रोग्राम था। यानी कि जैसे तुम अभी प्रोग्राम्स बनाते हो, उसमें क्या होता है कि बस टेक्स्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तुम वन प्रेस करते हो, कोई ऑप्शंस चुनवा रहे होते हो, लेकिन GUI बेस्ड प्रोग्राम्स में क्या होता है कि वहां पर तुम्हें बटन्स दिख रहे होते हैं, जैसे ये सॉफ्टवेयर तुम्हें दिख रहा है प्रॉपर, यहाँ पर ये आइकन है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, यहाँ पर तुम क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये GUI बेस्ड है, ठीक है, इसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैंने GUI बेस्ड क्लास मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, उसमें मैंने क्लास के बहुत सारे काम करवाए थे, जो भी तुम्हें अटेंडेंस लेना हो गया क्लास में, अगर क्लास टीचर को कुछ भी काम होता है तो वो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब मैंने जो बनाया था प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर से, उस प्रॉपर को सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे उसे, तो उस सॉफ्टवेयर से वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा डेटाबेस जो कि तुम्हें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, तो चलो, और ये हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पर्पस ऑफ DBMS, और पर्पस ऑफ DBMS के अंदर हम ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फिर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, तो ऐसे कर करके इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें भी देता हूँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में। तो डेटा क्या चीज होती है, अगर तुम ऐसा पेपर पे लिखने के लिए आ गया, वैसे इतना आसान तो लिखने लिखने के लिए नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी डेटा हम किसे कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा, ठीक है, और सिंपल भाषा में किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को हम डेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब डेटा बेस किसे कहते हैं, अब हम डेटा को, मतलब बहुत सारे डेटा को जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे कि एक अगर हम एक क्लास के बारे में बात करें, तो जैसे कि सबके मार्क्स आए हुए हैं, तो जैसे कि अगर हम एक क्लास की बात करें, तो एक तुम्हारे क्लास में सबके कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे, कुछ एक कुछ ना कुछ परसेंटेज बने होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से ये डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और वो डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और उसको हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख रहे हैं, तब हम उसे डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। और डेटाबेस में रखने का ये फायदा होता है कि हम एक ही इंफॉर्मेशन से मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में एक डेटाबेस होगा, उसमें क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, सबके रिकॉर्ड्स होंगे वहां पर, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, और तुम्हारे जो फोन नंबर है वो भी होगा वहां पर। अब जब भी टीचर्स को काम पड़ेगा, जैसे कि कभी टीचर्स को काम पड़ गया कि रिजल्ट बनाने हैं, ठीक है, रिजल्ट इवेल्युएट करने हैं, तब वो क्या करेंगे, वहां पर से डिटेल्स उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कभी यहाँ पर टीचर्स को ये काम पड़ गया कि कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट करके कहीं पर भेजने हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो वहीं से डेटा उठाएंगे। और कभी प्रिंसिपल को ये काम हो गया कि तुम्हें PC देना है, तो फिर वो क्या करेगा, वहीं से डेटा उठाएगा। तो वही जो डेटाबेस है, वहां पर सारे के सारे डेटा जो है वो अरेंज करके स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, और मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो ये काम है डेटाबेस का। आगे बढ़ते हैं हम, पर्पस ऑफ डेटाबेस। अब देखो थोड़ा और जानते हैं हम DBMS के बारे में। ये जो DBMS है, इसका मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ DBMS, ठीक है। अब DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करने में मदद करे, ठीक है। तो पर्पस ऑफ DBMS क्या होना चाहिए, मतलब वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो उसका पर्पस ये होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेस के लिए किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या क्या करना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर उस जो डेटा है जो भी उसमें स्टोर किया हुआ है उसे बहुत अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। और जब भी कोई डेटा वो एक्सट्रैक्ट करना चाहे कोई यूजर उसको, तो फिर वो उसको आराम से मिल जाना चाहिए, उसका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, उसका डेटा प्राइवेट होना चाहिए, और उसका डेटा जो है वो डैमेज से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारे पर्पस होने चाहिए, ठीक है, DBMS के यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब देखो हम यहाँ पर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक साइड रख लो, और एक साइड हम यहाँ पर जो नोटपैड पे टेक्स्ट पे कुछ भी लिख के स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या फिर कोई एक एक्सेल शीट बना रहा है, या फिर MS वर्ड पे कुछ लिख के हमने सेव कर दिया, वो एक अलग साइड रख दो। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा तो दोनों ही जगह पे स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, एक नोटपैड वाले पे भी स्टोर हो रहा है और दूसरा हमारे पास जो डेटाबेस है वहां पर भी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर अंतर क्या हुआ, हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो अगर हम यहाँ पर वो जो फाइल वाला सिस्टम है ना, जो कि तुम फाइल हैंडलिंग में काफी अच्छे तरीके से तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो वो जो फाइल वाला सिस्टम है ना कि तुमने नोटपैड में या फिर एक्सेल शीट में कुछ भी डेटा स्टोर कर लिया, तो अगर तुम वो काम करते हो तो वहां पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है। कौन कौन सी,
डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये कौन कौन से टर्म्स है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फाइल वाले सिस्टम पे आती है, और इससे हम बच पाते हैं किसकी मदद से, डीबीएमएस की मदद से, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, तो देखो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा, और डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि मिसमैच डेटा का मिल जाना। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड है, ठीक है, और अगर उसी रिकॉर्ड का हमने मल्टीपल कॉपीज बना दी, मतलब एक रिकॉर्ड हमारे पास है, फिर हमारे पास वैसा ही रिकॉर्ड एक और आ गया, वैसा ही रिकॉर्ड एक बार और आ गया, ठीक है। तो ऐसा हम फाइल वाले सिस्टम पे कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि डेटा का डुप्लीकेट होना। और दूसरा क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है कि अलग अलग डेटा है हमारे पास, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड है हमारे पास, सॉरी, तो अलग अलग रिकॉर्ड है हमारे पास और उनमें जो है वो सेम डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब मल्टीपल कॉपीज है हमारे हमारे पास और उनमें उनके अंदर जो डेटा है वो सेम है, तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी। और हमारे पास अगर जो डेटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज है, मतलब कि सेम डेटा हमारे पास मल्टीपल टाइम्स है, तो वो हो गया डेटा रिडंडेंसी। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम फाइल वाले सिस्टम पे काम करते हैं तब, लेकिन ये किससे सॉर्ट किए जा सकते हैं, डीबीएमएस की मदद से। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, अभी तक हम डीबीएमएस के बारे में सिर्फ पढ़ रहे थे कि डेटाबेस क्या होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अभी हमारे पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये एक मॉडल है किसका, डेटाबेस का, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो देखो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हम उसे कहते हैं, इस तरह के डेटाबेस को कहते हैं जहां पर हमारे पास रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में हमारे पास डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रोज और कॉलम्स हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर एक रिलेशन होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्लास 11th में मैथ्स वैथ्स पढ़ा होगा तो उनको मैं बता दूं कि तुम्हारे जो सेकंड नंबर का जो चैप्टर था वो था रिलेशंस एंड फंक्शंस, और 12th में भी होगा तुम्हारे पास ये चैप्टर। तो रिलेशन ये वहां से आया है, ठीक है, वो मैथ्स वाला जो टर्म है वो वहां से उठ के आया है, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है रोज और कॉलम्स में यहाँ पर, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है, और टेबल्स में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात ये है नोट करने वाली कि जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस में उन्हें हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है, टेबल्स को हम यहाँ पर रिलेशंस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल टेबल है, ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी से मंगवाया है, ठीक है। तो हमारे पास एक सैम्पल टेबल है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके एज यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जेंडर, और यहाँ ऑक्यूपेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट। तो हमें यहाँ पर जो भी रोज दिख रहे हैं, ये पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल रो को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, टपल कहेंगे, ठीक है। तुमने पाइथन में पढ़ा होगा टपल नाम का एक डेटा टाइप, तो हम यहाँ पर रो को एक डेटा टाइप, सॉरी, जो रो जो है उसे हम टपल यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर जो भी है वो वैल्यूज है, जैसे कि ये कॉलम का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो कॉलम्स है उन्हें हम फील्ड्स कहते हैं, ठीक है, फील्ड। और हमारे पास हर एक जो डब्बा यहाँ पर दिख रहा है, ये एक डब्बा, ये दूसरा, ये तीसरा, और इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेटा आइटम कहते हैं, यानी वही फील्ड हो गया, ठीक है। तो फील्ड, डेटा आइटम एक ही चीज है, ठीक है, जो तुम्हें एक एक डेटा दिख रहा है हर जगह पे, ठीक है, ये वही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटा आइटम। और यहाँ पर अगर तुम देखो तो एक रो में सारी इंफॉर्मेशन आ जा रही है, ठीक है, तो इसे हम एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी रो को ऐसे करके हम यहाँ इसे रिकॉर्ड कह सकते हैं। और हमारे पास एक और टर्म आता है जो कि ये बाइट। अब बाइट क्या होता है, तो अगर हम 8 बिट्स को साथ में मिला दें तो उसे हम एक बाइट कह सकते हैं, और एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें एक बाइट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जॉन लिखा हुआ है तो JOHN, तो यहाँ पर टोटल 4 बाइट्स की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर ये तुम देख सकते हो। अब देखो जब भी तुम डेटाबेस में कोई एक टेबल बनाना चाहोगे तो तुम्हारे पास कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यू अलग होगी। तो जैसे कि यहाँ पर तुम्हें आईडी दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये होना जरूरी है, तुम यहाँ पर कोई भी टेबल बनाओगे तो ये होना जरूरी है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। अब देखो इनको हम कीज कह रहे हैं, ठीक है,
जो भी हमारे पास कॉलम्स है, देखो यहाँ पर तुम हर एक चीज का बहुत सारा नाम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें नाम यहाँ पर याद रखना है, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें नाम से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कीज हैं, ठीक है, फील्ड्स कह सकते हैं इन्हें, कॉलम कह सकते हैं, और अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये की भी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी जो भी बात करने वाले हैं वो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है हमारे पास, उसमें हम टेबल्स को स्टोर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने एक टेबल स्टोर कर दिया, खत्म हो गया, ये बन गया हमारा डेटाबेस। हमने यहाँ पर ये एक अलग टेबल बनाया, हम चाहे तो एक और टेबल बना सकते हैं। मान लेते हैं मैं इससे एक और टेबल मंगवाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसने मेरे को एक अलग सैंपल दे दिया, ये एक टेबल दे दिया। तो मैं चाहता हूं अगर एक डेटाबेस बनाना, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल टेबल्स को स्टोर कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। एक इस टेबल को रख दूंगा मैं, और एक इस टेबल को रख दूंगा, और मैं चाहूँ तो एक और मंगवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक और बोलूँ तो ये मेरे को एक और टेबल ला के देगा। तो अलग अलग टेबल्स को मिलाकर मैं साथ में स्टोर कर दूँ तो उसे मैं एक डेटाबेस कह सकता हूँ। और टेबल्स में क्या है, टेबल्स में क्या बोलते हैं इसे, रोज और कॉलम्स है, ठीक है। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास जो भी डेटा है वो स्टोर किया हुआ है। अगर तुम्हारे स्कूल वाले को डेटाबेस बनाना होगा तो वो किस तरह से बनाएगा, वो अलग अलग टेबल्स बनाएगा। एक टेबल में वो क्या करेगा, सारे बच्चों के जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको स्टोर करेगा। दूसरे टेबल में क्या कर सकता है, वो मार्क्स स्टोर कर सकता है। तीसरे टेबल में वो क्या कर सकता है, कोई और डिटेल हो गई कि तुम मतलब कुछ भी डिटेल हो गई तो वो उसमें वो स्टोर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है कि किस बच्चे ने फी जमा की है, किस बच्चे ने फी नहीं जमा की है, तो ये वो आराम से देख सकते हैं अपने डेटाबेस में। ऐसे कर करके वो परेशान करते हैं, तो ये काम वो कर सकते हैं, डेटाबेस उसके लिए हेल्प करता है। अब देखो मैं तब से तो बोलता जा रहा हूँ तुम्हें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अपना डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, अब देखो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर है और उससे ही सारा काम होता है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, तुम मतलब कि ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस पे काम करना चाहता है। तो कुछ पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मैं नाम लेता हूँ, जो कि ये माई एसक्यूएल, और देखो एसक्यूएल को बहुत से लोग सीक्वल भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो मानो तुम वो बोल सकते हो, मैं तो एसक्यूएल ही बोलता हूँ। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हो गए वो एसक्यूएल हो गया, मतलब माई एसक्यूएल हो गया। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ DBMS सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें देख सकता है कि यहाँ पर इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है, तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उनके यहाँ पर मैं बता देता कि कौन कौन से पॉपुलर है। ये माई एसक्यूएल, और इस पे तुम काम करने वाले हो अभी, ठीक है। और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं तुम्हें अभी बता ही दूंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और फिर ये पोस्टग्री एसक्यूएल, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। फिर SQLite, ये भी बहुत पॉपुलर है। ओरेकल डेटाबेस, ये भी पॉपुलर है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, MongoDB भी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनमें तुम डेटाबेस का काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर तुम लोग में से जो भी ऐसे बच्चे हो जिनके पास हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं रहता है, या फिर नहीं है, या फिर खराब पड़ा है, फिर कुछ भी रीजन है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर फोन का भी यूज कर सकते हो। अपने फोन में भी तुम SQL का जितना भी काम है, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा तुम SQL का जो भी काम है, या फिर पाइथन का कुछ भी काम है, या फिर फाइल हैंडलिंग का भी जो भी काम है, वो सारा का सारा अपने फोन में तुम कर सकते हो, अपने एंड्रॉयड फोन में कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो कि Nokia 3310 में करोगे, यहाँ पर तुम अपने एंड्रॉयड फोन में भी वो काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, वो मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ। तो अगर तुम मेरे चैनल पे यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पर तुम्हें ये प्लेलिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पर हर एक चीज मैंने बताई है कि तुम SQL का मतलब कुछ भी काम जो है वो, मतलब क्लास 11th और 12th में जो भी काम है, जो कि तुम पॉसिबल तुम्हें नहीं लग रहा है कि हो पाएगा बिना लैपटॉप या कंप्यूटर के, वो कैसे तुम पॉसिबल करवा सकते हो सिर्फ अपने एंड्रॉयड फोन पे, ठीक है। तो इस पर तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो पे। यहाँ पर मैंने ये बताया कि तुम कैसे पाइथन यूज कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फोन पे, और ये देखने की शायद जरूरत नहीं होगी तुम्हें, तुम लोग अब अभी तुम में से काफी लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर चुके होगे कि पाइड्रॉइड नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसे तुम जिसमें तुम कोडिंग कर सकते हो, इस पर ये बहुत लोग जानते होगे, ठीक है। और इसके बाद आता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, और ये वीडियो देखने की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये वीडियो तो तुम्हें देखना ही देखना है, अब भले तुम फाइल हैंडलिंग कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये वीडियो देखनी जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि बस ये 6 मिनट की वीडियो देख लो, और इसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये तो पाइथन लाइब्रेरीज के ऊपर है, ठीक है। जब तुम लाइब्रेरीज का चैप्टर पढ़ोगे, लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का, ठीक है, और उसके बाद फिर जब तुम फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत है, और उसके बाद फिर तुम SQL, MySQL कैसे यूज करोगे अपने एंड्रॉइड फोन में, उसके लिए तुम ये वीडियो देखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पास कनेक्ट करने का जो यहाँ पर आता है, ये जो लास्ट चैप्टर तुम्हारे पास है यहाँ पर, इंटरफेस पाइथन विद MySQL, तुम अब दोनों को कनेक्शन करवा के
कैसे चीजों को करवाते हो वो तुम यहां पर इस वीडियो से सीखने वाले हो। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, तुम सारा काम अपने फोन पे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्या खोल लिया, अब हमारे पास है रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। अब इसमें तुम क्या पढ़ने वाले हो, इसमें जाहिर सी बात है इसमें तुम कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हो, डीबीएमएस से रिलेटेड, सॉरी आरडीबीएमएस से रिलेटेड, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो भी बात कर रहे हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जब इस मॉडल को बनाया गया था तो इस मॉडल के लिए कुछ रूल्स दिए गए थे, मतलब कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज दी गई थी इस मॉडल को। ठीक है, तभी एक मॉडल कहलाता है। और सबसे पहले ये तो तुम्हें पता ही चली गया अभी अभी तक कि डेटा जो है वो एक टेबल में स्टोर किया जाता है, और टेबल में क्या क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉलम है तो उसमें जो भी डेटा है वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। ठीक है, तो हाँ वो सेम टाइप के हैं, और जो अलग अलग कॉलम्स होते हैं उनके डेटा डिफर कर सकते हैं। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये अलग रिकॉर्ड है। ठीक है, ये है एक ही रिकॉर्ड, लेकिन ये जो टाइप का डेटा है, ठीक है, ये आईडी है और ये प्रोडक्ट का नाम है, तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या क्या, पहला रूल क्या था आरडीबीएमएस का, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का, यहाँ पर जो पहला रूल था वो ये था कि अगर कोई एक एक कॉलम है तो उसमें जितने भी डेटा है वो सेम काइंड के होंगे, और जो अलग अलग डेटा है, सॉरी जो अलग अलग यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, कॉलम है, उनके जो डेटा है वो अलग अलग होंगे। तो ये था पहला रूल। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक रो है तो उसमें एक कॉलम की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, और उसी तरह से अगर हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम में अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो अगर हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, मान लेते हैं क्वांटिटी वाली कॉलम, तो उसमें हर एक रो की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए, मतलब क्वांटिटी जो है उसमें 102 के लिए एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा रूल ये कहता है कि हर एक रिकॉर्ड जो है, यानी हर एक रो जो है उसमें जितने भी डिटेल्स है वो एक दूसरे से पूरे के पूरे अलग होंगे, मतलब कि अलग होंगे पूरे के पूरे, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पर 599 है तो यहाँ पर 599 नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन अगर हम पूरी कॉम्बिनेशन को पकड़े तो वो पूरा का पूरा अलग होना चाहिए। ठीक है, तो चौथा रूल हमारे पास जो है वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी रोज है, जैसे कि ये एक रो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो भी रो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये यहाँ पर जो स्टोर कर रहा है, जो डेटाबेस हमारा इस चीज को स्टोर कर रहा है, वो कोई ऑर्डर को ध्यान में नहीं रख रहा है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, वो इस तरह से नहीं मानेगा कि अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरे को पहला जो डेटा है वो निकाल के दो तो वो पहला डेटा निकाल के देगा, ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक है, तो वो यहाँ पर किसी ऑर्डर में चीजों को ऐसे स्टोर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए तुम। और पांचवा जो रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी ये कॉलम का नाम है, ठीक है, तो कॉलम का नाम अलग अलग होना चाहिए, कॉलम का नाम अलग होना चाहिए, और कॉलम में भी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता कि हम पहला कॉलम बोल रहे हैं इसको, इसको दूसरा कॉलम बोल रहे हैं, इसको तीसरा कॉलम बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑर्डर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई थी कि कोई भी एक, अगर पर्टिकुलर हम कोई भी एक कॉलम पकड़ ले तो उसमें जो भी डेटा है वो एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के तरीके का ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्राइस है, तो ये सारी के सारी क्या क्या है, प्राइजेस हैं, तो ये प्राइजेस को हम मतलब कि एक पूरा कलेक्शन बना ले, एक पूरा सेट बना ले, तो उनको हम एक डोमेन कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नया टर्म आता है डोमेन, मतलब कि अगर मेरे पास एक चॉकलेट का डब्बा है और उस चॉकलेट चॉकलेट के डब्बे में 10 अलग अलग चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और कोई एक बच्चा मेरे से चॉकलेट मांगने के लिए आ रहा है, तो मैं उसको चॉकलेट कौन सा निकाल के दूंगा, मैं उसे उन 10 में से कोई एक चॉकलेट निकाल के दूंगा। ठीक है, मैं कई कोई और चॉकलेट तो नहीं दे सकता मैं, तो उस डब्बे में जो 10 चॉकलेट्स है वही मेरे डोमेन हो गए। ठीक है, मेरे पास जो भी वैल्यूज हैं अभी पड़ी हुई वो डोमेन हो गए। ठीक है, अब उनमें से ही उठा के मैं कोई एक चॉकलेट उस बच्चे को दे सकता हूँ, ये होता है डोमेन। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं। तो अभी तक मैंने तुम्हें बता दिया था कि डोमेन क्या होता है, तो और कौन सा टॉपिक है हमारे पास, अब हमारे पास है टपल। टपल हम किसे कहते हैं, किसी भी एक रो को हम टपल कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है एट्रीब्यूट या फिर फील्ड, तो उसे वो हम कॉलम को कहते हैं, या हमारे पास जो भी कॉलम्स है उसे हम क्या क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि ये डिग्री और कार्डिनैलिटी।
तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं बता दूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो डिग्री हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर इस टेबल की डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें, तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर कितने रोज है? रोज भी 5 है, तो यहाँ पर इस टेबल की कार्डिनैलिटी वो भी 5 हो जाएगी। अगर तुम्हें यहाँ पर बार बार, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मतलब बहुतों को होती है और हो सकता है फ्यूचर में बहुतों को होगी, तो मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ ए डी याद रखो, ठीक है। ए और डी, ए फॉर एट्रीब्यूट और डी फॉर डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम डिग्री कहते हैं, और जो बच गया नंबर ऑफ रोज, उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। अब एक और टर्म हमारे पास आता है, जो कि ये व्यू। अब व्यू क्या होता है? देखो, हम जो भी यहाँ पर टेबल्स बना रहे हैं, वो हमारे बेस टेबल्स कहे जाते हैं, ठीक है। ये टेबल मान लो मैंने बनाया, तो ये एक बेस टेबल हो गया। और व्यू क्या होता है? अब देखो, मुझे यहाँ पर डेटाबेस से ये कहना है कि 101 से लेकर 103 तक में जो भी रिकॉर्ड्स है, वो मुझे निकाल के दो, जिसमें टोटल 3 रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स है, इस चीज को वो निकाल के देगी, और इसको वो एक नए टेबल के रूप में प्रेजेंट करेगी, ठीक है। और उस टेबल को हम क्या कह सकते हैं? व्यू। उस टेबल को हम कहेंगे व्यू। चलो, चैट जीपीटी से भी ये काम हम करवा के देखते हैं। देखो, इसने क्या किया यहाँ पर, इसने 101 से लेकर 103 तक एक नई टेबल बना दी, और ये हमारी बेस टेबल थी, ठीक है। और मैंने इससे कहा कि मुझे 101 से लेकर 103 तक की जो रिकॉर्ड्स हैं, बस वही चाहिए। तो इसने क्या किया, एक नई टेबल बना ली, और इस नई टेबल को हम क्या कह सकते हैं? व्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था व्यू, और यहाँ पर तो मैंने सिंपल इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन जो हम MySQL यूज करेंगे, उसमें हमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। हमें उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी जो है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर पहले व्यूज था, ठीक है। व्यूज को तो तुम देख चुके हो कि वो क्या होता है, और उसके बाद कीज है हमारे पास, ठीक है। और कीज के अंदर कौन कौन सी कीज हमें पढ़नी है? तो कीज क्या होती है? व्यूज तक का हमने देख लिया था कि व्यूज क्या होता है। जब भी हम कोई किसी टेबल में से कुछ एक कंडीशन लगा के उस टेबल में से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करें, तो हमारे पास जो टेबल आता है, उसे हम व्यू कहते हैं, ठीक है। और अभी हम बात करने वाले कीज के बारे में। तो कीज में कौन कौन सी कीज आती है? प्राइमरी की, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और फॉरेन कीज, ठीक है। और कीज हम किन्हें कहते हैं? अगर यहाँ पर मैं एक सैम्पल डेटा का टेबल मंगाऊं इससे, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए एक टेबल यहाँ पर इसने प्रोवाइड किया मुझे, और यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ लास्ट नेम है, यहाँ डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, हायर डेट। तो ये सारे क्या है? कॉलम के नाम है। और कॉलम के नाम को मैंने क्या क्या तुम्हें बताया था कि क्या 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 हो सकते हैं, क्या क्या हम बोल सकते हैं उन्हें? पहला हम कॉलम बोल सकते हैं, फील्ड नेम बोल सकते हैं, और सॉरी फील्ड बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं, और एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, और अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम इन्हें कीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब कीज के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, जो भी है, ठीक है। तो प्राइमरी की हम किसे कहते हैं? उस की को जिसमें जो भी डेटा है, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स में से, ठीक है। मान लो ये पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, वहां पर भी बहुत लोगों का नाम सेम हो सकता है, यानी कि यूनिक ना होने के चांसेस है। यहाँ पर लास्ट नेम में भी वही है, यूनिक ना होने के चांसेस है। डिपार्टमेंट में भी एक ही डिपार्टमेंट से बहुत लोग बिलोंग कर सकते हैं। फिर पोजीशन भी बहुतों का सेम हो सकता है, सैलरी भी बहुतों का सेम हो सकता है, हायर डेट भी बहुतों का सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है, वो सबकी अलग अलग होगी। तो इस तरह के की को, इस तरह के कॉलम को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। और इससे ही ये हमें हेल्प करती है कि हम बाकी के सारे रिकॉर्ड्स में से किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो उस की को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। अब दूसरी की कौन सी है हमारे पास? दूसरी की हमारे पास है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की हम किन्हें कहते हैं? कैंडिडेट की हम उन कीज को कहते हैं। और हाँ, प्राइमरी की के बारे में तुम्हें ये बताना भूल गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक कॉलम को ही हम यहाँ पर प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर हम मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं जो कि यूनिक हैं, तो उनका अगर मैं चाहूँ तो मैं दो कॉलम को मिलाकर भी एक प्राइमरी की बना सकता हूँ। वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उन कॉम्बिनेशन से भी हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। और अब मैं तुम्हारे बताने वाला हूँ ये फॉरेन सॉरी अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैंडिडेट की क्या होता है। तो कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की वो सारे कीज होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं, प्राइमरी की बनाने के लायक होते हैं वो लोग, भले प्राइमरी की हो या ना हो, लेकिन हम उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर
मैं यहाँ पर एक और कॉलम इसे डालने को कहूँ, तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास फोन नंबर का भी एक कॉलम आ चुका है। तो क्या हम यहाँ पर फोन नंबर को भी एक प्राइमरी की बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का जो फोन नंबर है वो भी तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोन नंबर भी हमारा कैंडिडेट की हो गया, और एम्प्लॉय आईडी ये तो कैंडिडेट की होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की तो प्राइमरी की बना सकते हैं ना, उसको ही तो बनाएंगे। तो ठीक है, तो कैंडिडेट की हम उनको कहते हैं जिन को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है ऑल्टरनेट की, ठीक है। अब मेरे पास ऑल्टरनेट की है, तो ऑल्टरनेट की किन्हें कहते हैं? अब देखो, मेरे पास दो कैंडिडेट की है टोटल, अब उनमें से प्राइमरी की हटा दो। अब तुम्हारे पास जितने भी कीज बच गए हैं कैंडिडेट कीज, ठीक है, प्राइमरी की को हटाकर जितने भी कैंडिडेट कीज बच गए हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ऑल्टरनेट कीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन कीज के बारे में, तो फॉरेन की हम किन्हें कहते हैं? अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि हमारे पास एक डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस के अंदर हम अलग अलग टेबल्स रख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपस में हम रिलेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो टेबल्स आ चुके हैं, अगर तुम्हें फॉरेन की अच्छे से समझनी तो अब यहाँ पर तुम अच्छे से समझ सकते हो, इसने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, और उसके बाद इनके डिपार्टमेंट्स का टेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट्स आईडी है, और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट्स आईडी है, और इन दोनों के वजह से दोनों टेबल को लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस टेबल के लिए फॉरेन की हो गई, ठीक है, ये जो पूरा टेबल है ये इसके लिए फॉरेन की हो गई, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस टेबल के लिए फॉरेन की हो गई, ठीक है। पहले टेबल के लिए फॉरेन की कौन सी हो गई? ये डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होगा, तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है तो। अब हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पर इन कीज के बाद, वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है? ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स होती है, और ये रूल्स क्या हमें क्या बताती है? कोई भी हमारे पास जो भी डीबीएमएस होता है, ठीक है, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। जब भी हम टेबल्स को अलग अलग टेबल्स को ऐसे लिंक करके रख रहे होते हैं, तो वहां पर जितने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से हम मैनेज करके रखें, कोई गलती से डिलीट ना हो जाए, कुछ चेंजेस गलती से ना हो जाए, तो उन सबको सही करने के लिए, उन सबको अच्छे से सिक्योर रखने के लिए हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पहला रूल तो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं और उनमें से अगर हम मैच करवा रहे हैं, ठीक है, दोनों टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो एक प्राइमरी की के थ्रू होना चाहिए, या फिर किसी एक ऐसे की के थ्रू होना चाहिए जो कि यूनिक हो। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था जो कि डिपार्टमेंट आईडी था, ठीक है। तो ये है पहला रूल। और दूसरा रूल ये है कि हमारे पास जो भी रिलेटेड फील्ड्स होते हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जब भी हम टेबल्स को लिंक कर रहे हो तो वो जो जो भी टेबल्स है, मान लो कि वो दो टेबल्स हैं, तो दोनों को एक ही डेटाबेस के अंदर होना चाहिए। मतलब एक डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनको हम आपस में लिंक कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कर सकते कि अलग अलग डेटाबेसेस में से टेबल को लिंक करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि एक ही डेटाबेस में से जितने भी टेबल्स हैं उनको हम लिंक करवा सकते हैं, और उनका फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए। अब हमें पढ़ना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ MySQL। तो 200 साल पहले भारत में एक राजा हुआ करते थे। मजाक कर रहा हूँ, इस टॉपिक को तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, MySQL डेटाबेस सिस्टम, इसमें क्या होता है? अब तो जितना भी हम कर रहे हैं हर चीज में डेटाबेस, MySQL, यही सब आ रहा है, ठीक है। तो ये MySQL डेटाबेस सिस्टम, ये एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक सॉरी पुराना टॉपिक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो, SQL जो है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन MySQL जो है वो DBMS है, यानी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो और इस चैप्टर में यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं इन सब में हम किससे काम करने वाले हैं? MySQL पे ही काम करने वाले हैं। तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और इंस्टॉल और स्टार्ट करके तो मैं तुम्हें इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो MySQL डेटाबेस सिस्टम, यहाँ पर तुम्हें तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि MySQL क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सर्वर क्या होता है वो बताता हूँ। सर्वर वो चीज होती है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है, और जब भी हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो उसे कोई डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्लाइंट का क्या काम है? वही भीख मांगना, कि क्लाइंट जाती है सर्वर के पास कि हमें ये चीज निकाल के दो, और फिर सर्वर उसे निकाल के देती है, ठीक है। तो यही काम होता है, तो इसे ही हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम MySQL को क्यों यूज करते हैं, बाकी बाकी मैंने तुम्हें इतने सारे सॉफ्टवेयर दिखाए थे, तो हम MySQL को क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स सुन लो। तुम्हारे बुक्स में तो काफी ज्यादा इसके फायदे दिए गए हैं, लेकिन तुम इसके फायदे जानकर करोगे क्या? तुम्हें बस एग्जाम में ही लिखना है ना, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जितने हो सके उतने बता देता हूँ। सबसे पहला स्पीड, बाकी सारे सॉफ्टवेयर से कंपेरिजन में काफी अच्छी स्पीड है इसमें, काफी फास्ट काम करता है ये। दूसरा ईज ऑफ यूज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अभी वो कितना इजी उसमें ये काम करना कितना इजी है। तीसरा कॉस्ट, अब देखो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में से बहुत सारे पेड है, कुछ फ्री है, लेकिन यहाँ पर जो माई एसक्यूएल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। तुम्हें पता होगा कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम उन्हें कहते हैं जिनका, जो कि पहले फ्री होते हैं और जिनका की कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। और क्या फायदे हैं इसके? पोर्टेबिलिटी, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स में ये काम कर सकता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये काम कर सकता है। फिर तुम्हें ये बहुत सारे डेटा टाइप्स प्रोवाइड करा सकता है, और उसके बाद फिर ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, तो ये तो जाहिर सी बात है ना, मतलब MySQL तो करेगा ही। और क्या, और सिक्योरिटी, काफी अच्छी सिक्योरिटी है इसमें, क्योंकि इसमें जो भी पासवर्ड्स वगैरह जो भी प्राइवेट डेटा होता है वो यहाँ पर इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ फायदे MySQL के। और अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टार्टिंग MySQL, ठीक है। MySQL कैसे स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि MySQL को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम MySQL को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम गूगल में जाकर लिख लो इंस्टॉल MySQL। ये लिखने के बाद जो तुम्हारे पास ये वेबसाइट आएगी, यहाँ पर तुम जा सकते हो, डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर। और फिर यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें दो फाइल्स दिख रही होंगी, ठीक है, एक 2 MB की फाइल है और ये 296 MB की फाइल है। तुम नीचे वालों को इंस्टॉल करोगे, तो डाउनलोड करोगे सॉरी। और यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया इसे। यहाँ पर मेरे पास एक और पेज खुल कर आता है, ये मुझे कहता है कि लॉग इन करो, साइन अप करो, या फिर नहीं चुपचाप से डाउनलोड करके दो। मैं यहाँ पर इसे कहूंगा कि चुपचाप से मुझे डाउनलोड करके दे, और मैं यहाँ पर MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी वर्जन जो है वो अपने किसी एक पाथ पर इसका जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल डाउनलोड कर लूंगा सॉरी। तो इसे डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर इसे ओपन करूंगा, ये डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है और अब ये ओपन होगा, मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। क्रोम की जरूरत तो है नहीं, क्रोम हम बंद, पहले यहाँ पर हम इसे MySQL को इंस्टॉल करेंगे, क्रोम बंद कर देते हैं सॉरी, यस ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब मुझे क्या क्या इंस्टॉल करना है ये मुझे चुनना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे कस्टम पे जाऊंगा, और कस्टम पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर MySQL का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिस्ट को इधर भेजेंगे, मतलब इस एलिमेंट को यहाँ पर भेजेंगे, तो प्रोडक्ट्स को भी इंस्टॉल में ही आ जाएगा, ठीक है। और क्या इंस्टॉल करना है, MySQL सर्वर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, और दूसरी चीज MySQL का जो शेल है वो इंस्टॉल करना है, और कुछ इंस्टॉल तो नहीं करना है। ये जो वर्क बेंच तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये बस एक यूआई वर्जन है तुम्हारे MySQL का, तो उसकी जरूरत तुम्हें है नहीं। यहाँ पर इन दोनों से तुम्हारा काम चल जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, और अगर यहाँ पर तुम एग्जीक्यूट करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी तुम्हारे पीसी की, अगर वो इसके पास नहीं होगी तो ये वो डाउनलोड करना वो शुरू कर देगा, और अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर अभी सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, और अब ये हो चुका है, और अब यहाँ पर मेरे पास जो शेल है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपना डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, और डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, और टेबल्स में अपना अपना डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, हम चाहे तो कितना भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर जितना भी टेबल्स हो सके वो क्रिएट कर सकते हैं। और जब हमारा एग्जाम हो रहा था, तो उस वक्त जब हमारा वाइवा हो रहा था, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, तो वहां पर ये पूछ रहे थे कि हम एक टेबल के अंदर कितने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे वहां पर भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो शेल है वो इंस्टॉल हो रहा है, और मैं माफी चाहूंगा कि तुम्हारी वीडियोस काफी लेट आ रही हैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हो गया हूँ और मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और मुझे नहीं पता ये यहाँ पर इंस्टॉल होने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। जल्दी इंस्टॉल हो, हाँ ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सारी बाकी चीजें ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ये कहेगा कि एक पासवर्ड क्रिएट करो। अब यहाँ पर तुम कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, कोई सिंपल सा भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लोकल होस्ट पे रहने वाला है, ये किसी और को नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो तुम्हारा जो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है वो रूट ही रहेगा, ठीक है, और जो तुम्हारा पासवर्ड है
वो तुम क्या सेट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूजर नेम भी वो लोग रूट रख लेते हैं और पासवर्ड भी रूट रख लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम रख सकते हो। और तुम्हें अगर रूट नहीं रखना तो कुछ और भी रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर TOOR, रूट का उल्टा रख देता हूँ, ठीक है, TOOR रख दिया मैंने। ये मुझे कह रहा है वीक है पासवर्ड का जो स्ट्रेंथ है, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब कुछ फाइनल स्टेजेस हैं बस, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर से इसे फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद यहाँ फिर से ये नेक्स्ट करने को बोल रहा है, ठीक है, स्टार्ट माई एसक्यूएल शेल आफ्टर सेटअप, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, फिनिश करते हैं इसको। तो अब मेरे पास ये माई एसक्यूएल का जो शेल है वो आ चुका है, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पर इसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं। पहले तो मैं काम करता हूँ, इस चीज को मैं बंद करता हूँ, इस शेल को, और उसके बाद मैं वापस से शुरू से करके दिखाता हूँ कि वो उसे कैसे स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं विंडोज की दबाकर माई एसक्यूएल लिखूंगा, और अब मेरे पास क्या आएगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है, इसे खोलूंगा मैं। और खोलते ही ये मुझे क्या बोलेगा, पासवर्ड दो। तो पासवर्ड मैंने जो रखा था TOOR हो गया, ठीक है। अब मेरे पास माई एसक्यूएल जो है वो खोल के आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मेरे को जो बनो मैं वहां पर लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर डेटाबेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में अभी कितने डेटाबेसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है, और एक सेमी कॉलन, यहाँ पर हर एक कमांड के बाद एक सेमी कॉलन लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि इतने सारे डेटाबेसेस हैं मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट और फिर डेटाबेस का नाम। तो फिर मैं यहाँ पर उसका नाम रखता हूँ RDBMS, ठीक है, एंटर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मेरे को क्या करना था, यहाँ पर मेरे को क्रिएट डेटाबेस लिखना था, ठीक है। और अब मैंने इसका नाम रख दिया RDBMS। अगर मैं अभी एंटर करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ शो डेटाबेसेस, अगर तुम यहाँ पर और तुम्हारे पास जो कीबोर्ड में एरो कीज हैं अप लेफ्ट डाउन राइट जो भी है, तो उसमें अगर तुम अप वाला दबाओ तो तुम्हारी प्रीवियस जो कमांड है जो तुमने लिखा था वो आ जाएगा। मैं फिर से अप वाला दबाऊंगा, फिर से अप, तो यहाँ पर अब मेरे पास शो डेटाबेस आ गया। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो RDBMS आ चुका है, यानी कि मैंने जो अभी डेटाबेस बनाया है वो आ चुका है। तो इस तरह से तुम यहाँ पर इस शेल में काम कर सकते हो। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि SQL एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और MySQL क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम SQL यूज कर सकते हैं। तो SQL एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, और ये ज्यादातर मतलब लगभग सारे के सारे ही जितने भी DBMS हैं उन सब को, वो जो सारे के सारे DBMS है वो सारे के सारे SQL को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ SQL। अब देखो, SQL जो है उसे बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग भी यूज कर सकते हैं, और इसमें कुछ कुछ फायदे दिए गए हैं SQL के, तो वो तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। और पहले मैं इसे तो यहाँ पर से हटाता हूँ, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, DDL, DML और TCL, ठीक है। हमें यहाँ पर तीन चीजें पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब देखो, हमारे पास जितने भी एसक्यूएल में कमांड्स हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहला DDL, फिर DML और TCL। तो सबसे पहले जो DDL है उसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर जो DML है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और जो TCL है वो है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कौन कौन से क्वेरीज है, कौन कौन से कमांड्स हैं जिनको हम इसके अंदर रखते हैं। अब देखो, डेटा डेफिनेशन मतलब कि जब भी हम टेबल वगैरह बना रहे होते हैं तो उनका क्या डिजाइन होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स किस तरह से होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं DDL। और उसके बाद जब हमारे पास टेबल बन जाए, और टेबल बनने के बाद हम यहाँ पर टेबल में कोई चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं कोई एक डेटा, तो वो हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और अब हमारे पास आता है TCL। तो TCL में क्या होता है, TCL में भी कुछ कमांड्स होते हैं। अब जैसे कि तुम कोई गेम खेल रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक लेवल तुमने अचीव कर लिया, उसके बाद तुम क्या करते हो, गेम को सेव कर रहे होते हो, ठीक है। तुम वहां पर गेम को सेव करते हो, या फिर कुछ गेम्स में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, और वो अभी रियल टाइम में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे मैं कंफर्म करने के लिए यहाँ पर TCL
कमांड्स का यूज कर सकता हूँ और इसके मदद से मैं वो चेंजेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उससे अगर मैं उसे चलाऊंगा तो फिर मेरा जो चेंजेस होगा, अब तक मैंने जो चेंजेस किए होंगे वो सारे के सारे सेव हो चुके होंगे। अब इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं, ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, इनमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं, तो वो मैं तुम्हें अभी कैसे बताऊं। मतलब तुम्हारे बुक्स में तो दिया हुआ है ना, लेकिन अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से कमांड से कौन सा काम हो रहा है, तो वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं अभी। तो ये मैं आगे बताने वाला हूँ, इसके आगे कौन सा चैप्टर वो देखते हैं, सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें वो बता दूंगा। तो वीडियो यहाँ पर खत्म होती है और अब मैं जा रहा हूँ, इसको एडिट करके तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा, कल तक अपलोड हो जाएगी। तो गुड नाइट, बाय।